बस 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 नहीं बात बनी भाई इधर तो। ओ तेरिया बचा ऊपर पेड़ है वो। ओ देख देखते हैं दिनेश जी को क्या दिख रहा है अपनी आंखों से। गुड मॉर्निंग जी। तो हम लोग इस टाइम पे बैरागढ़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे सच पास पहुँचें। तो हमारा पहले तो स्टॉक देखो भरा पड़ा है इस तरह से हर ड्रॉर में ऊपर से नीचे आगे से पीछे। ये हमारे कुछ चीज़ें हैं जो अभी यूज़ नहीं कर रहे थे पर आज करेंगे। पूरा लेके आए मल्टी विटामिन सर ओमेगा 3 सब है पर खा नहीं रहे वो अलग बात है। तो आज से करेंगे कोशिश। ये पूरे ड्रॉर्स में हर तरह का सामान है। वो हमारा उधर टॉयलेट टेंट लगा हुआ है तो यही बात मैं बोल रहा। कई लोग पूछते रहते हैं हाउ टू गो अबाउट इट। तो कम्प्लीटली ओपन रिस्की भी रहता है थोड़ा सा और यार एक मतलब जो बात बोली जाती है इट्स नॉट सेंसिबल। तो हम ये टेंट यूज़ करते हैं एंड आप एक शवल भी देख पा रहे हो उसके पास में। सो विद दैट शवल आप ठिकाने लगा देते हो चीज़ों को, समझ रहे हो ना। और ये ट्रिप है स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय गो मैकेनिक। तो ये है कहानी। अब ब्रेकफास्ट की हो रही है तैयारी और लगभग 10:30 बजे हुए हैं इस टाइम पे। अब रात को हम लोग ये भी टेस्ट कर रहे थे लाइट्स। तो ये लाइट्स जो हैं ये थोड़ी सी मुझे एक सेंस में वीक लगी सही बताऊँ तो। तो यहाँ पे अब हमने ओट्स बनाए हैं सुबह सुबह और अब बनाएंगे कॉफ़ी। यहाँ से तो डलवा ही लें 80 किलोमीटर वाले से फिर डलवा लेंगे। ऐसा ही करते हैं ये बेस्ट रहेगा। पंगा लेने वाली बात है कि लास्ट पंप से करवाएंगे। हाँ इनकेस कोई शॉर्टेज हो कुछ हो वो लिमिटेड दें क्योंकि जनरली पीक्स पे ऐसा हो जाता है। बस 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 खुल। अब हम चल दिए बैरागढ़ की तरफ। बैरागढ़ से लगभग 15 से 17 किलोमीटर है सच पास। तो देखते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते शायद मौसम काफ़ी बदल जाएगा और मौसम बदलने का ही खेल है सारा का सारा पहाड़ों में। एवरी किलोमीटर एक घंटा लगा दिया शायद इन्होंने खोलने में इसको ना। लगा दिया क्योंकि हम मेघल से 2 के आसपास रुके थे। लास्ट पंप था हम लोगों ने यहाँ डला लिया। यहाँ पे कैश ही चलता है कार्ड नहीं चलता है यहाँ पे। सही है यार ये जैरिकेन सही है। अभी प्रेशर था थोड़ा थोड़ा मेरे को जैसे ही मौका था मिलता मैं प्रेशर रिलीज कर देता हूँ। तो ये बैरागढ़ पहुँचने में है अब हमारे 44 मिनट्स 19 किलोमीटर्स। ये लास्ट पंप था इसके बाद में या तो मिलेगा किश्तवर में या मिलेगा तांडी में तांडी लाहुल में। मौसम ऑलरेडी बदलने लग गया इधर से। अब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं ऊपर से कुछ ना कुछ पानी टाइप जैसे बारिश या स्नोफ्लेक ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। Oh.
तो भाई आप पहुँचे हम जैकेट पहनने वाले एरिया में, और क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं सामने, देखो पहाड़ एंड बादलों के ऊपर हम लोग, क्या ही शानदार मामला यार। तो मेरे ख्याल से हम इधर जाएंगे, ये होगा सच पास वाला एरिया ऊपर, ज़बरदस्त मतलब उड़ रहा है ये, उड़ेगा उसके बाद में बर्फ के बन के गिरेगा जो भी रहेगा, पर क्या बात है मतलब कुल मिला के आई डोंट नो ये कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है इसके साथ में, पर क्या माहौल है यार, क्या ही माहौल है। जैकेट पहन ले भैया, मूछ पहना ले भैया, चलो गाड़ी में बैठ लो भैया। तो भाई बहुत अच्छी लोकेशन है, वापस आ गए इधर ही, फॉग ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से भाई सच पास पे स्नोफॉल होना चाहिए, देख रहा है ऊपर पेड़ है वो, और देख चले बार देखते हैं चल के कैंपिंग लोकेशन, फिर सच पास कल ही करेंगे ना, आज क्यों खराब करना वो रास्ता अंधेरे में कवर करके। नहीं बात बनी भाई इधर तो, ओ तेरी ओ बचाए ओए अभी कर देगा तेरा प्रजनन। पीछे लो, हाँ लो और लो, जाओ जाओ सीधा जाओ, काटो थोड़ी सी काटो इस तरफ, उल्टा उल्टा, तो भाई सच पास से कुछ लगभग 25 किलोमीटर पहले रुक गए हम लोग, क्योंकि अब अंधेरे में मजा नहीं आता ऐसी जगहों को देखने का, सुबह कम से कम कुछ दिखेगा। जब हम लोग इधर आए थे ये वाला जो जगह थी मैंने पहले दिखाई हुई थी, क्या ही लग रही थी, तो हम ये मिस नहीं करना चाह रहे थे सुबह सुबह। तो अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे अपना सेटअप लगा लें। सच पास से यार बड़ी उम्मीदें हैं, लग रहा है कि स्नोफॉल हो जाए, थोड़ा कुछ मज़ा आ जाए, क्योंकि इन जगहों पे इतनी दूर आने का एक बड़ा कारण होता है स्नोफॉल, तो मिले तो मज़ा आए यार। देखते हैं क्या टाइमिंग हमारी रहेगी। So, what's more beautiful than this setup and morning tea? And here is Mr. DCV. Sir, कहाँ रखी थी चाय? Hello. ऐसे गिर भी जाएगी यार? अरे यहाँ पे बैलेंस बहुत अच्छा है। देखते हैं दिनेश जी को क्या दिख रहा है अपनी आँखों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सच पास के लिए। रात को जैसा मैंने बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पे एक सुंदर सी जगह पे कैंप किया था, तो वेदर जो है बहुत ही मेहरबान हो रहा है, और देखो सन इज शाइनिंग, और उसके साथ में कल शाम को जो ये वाली जगह थी यहाँ पे बादल ही बादल, एंड इट वॉज़ लुकिंग सो गुड यार, सो गुड। तो हमें लगा कि ये लोकेशन बढ़िया, हम इससे ऐसे आगे निकल गए थे 5-6 किलोमीटर हमें भी ज़्यादा, और फिर उसके बाद में वापस आए स्पेशली इस जगह पे रुकने के लिए। तो जो कहानी है वो ये है कि अब सच पास जाएंगे, सच पास का वेदर देखेंगे, एंड वी नीड टू सी, क्योंकि ये वाला जो सेक्शंस हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी तो मुझे नहीं लग रही, क्योंकि ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, और यहाँ पे वो वाला कि पास के ऊपर कैंप ना करना वाला इशू मुझे नहीं लग रहा है कोई भी, क्योंकि ऑक्सीजन है तभी तो पेड़ है, तो पेड़ हैं तो ऑक्सीजन है, समझ रहे हो ना बात जो भी है मतलब जिस भी तरह से साइंटिफिक जो भी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ से निकलने करते हैं तैयारी, पैकिंग शेकिंग हम लोगों ने लगभग कर ली है, एंड वी आर गुड टू गो। तो शूज़ पहन लेता हूँ, शूज़ ये अपने वो नकली वाले, जो नकली नहीं बोल सकते मतलब दीज आर बजट शूज़, और इनमें इशू जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि इनका जो सोल है वो निकलने लग गया।